बुलंदशहर से रीशु कुमार, ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मां से रेप के आरोपी को उम्र कैद की सजा। बुलंदशहर में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मां से रेप के आरोपी को उम्र कैद की सजा और 50,000 का जुर्माना। आबिद ने जंगल में किया था अपनी मां से रेप। बुलंदशहर कोतवाली देहात में आरोपी के भाई ने दर्ज कराया था मुकदमा। वर्ष 2023 की घटना का आज वरुण निगम की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया फैसला। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी आबिद को सुनाई उम्र कैद की सजा। बुलंदशहर कोतवाली देहात के एक गाँव में हुई थी वर्ष 2023 में घटना। आपका नाम है और आगे केस में आजीवन कारावास हुआ, क्या पूरा प्रकरण है? मेरा नाम विजय कुमार शर्मा, मैं ADGC हूँ यहाँ पर, ADGC क्राइम। मेरे साथी हैं कुश कुमार, आप भी मेरे साथ हैं, ADGC क्राइम के पद पर हैं। ADJ FTC सेकंड कोर्ट में हम आयोजन का कार्य देखते हैं। आज माननीय न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। आज तक की प्रैक्टिस में भी मैंने ऐसा नहीं देखा ना सुना कि एक माँ अपने बेटे के विरोध 356 जैसे गंभीर अपराध का एलिगेशन लगाएगी। उसने अपनी पूरी साक्ष्य में भी कम से कम 10 से 20 बार उसने रोते रोते हुए एक ही बात को कहा है कि मेरे साथ मेरे बेटे ने बलात्कार किया। यह घटना 16 जनवरी 2023 की है। इसमें जो अभियुक्त है आबिद, ये अपनी मां को चारा लेने के लिए खेतों में ले गया था। वहाँ ले जा कर के उसने ईद के खेत में अपनी माँ के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध बलात्कार किया। आज माननीय न्यायालय ने अभियुक्त आबिद को आजीवन कारावास 51,000 रुपये अर्जन थे। इसमें क्या क्या साक्ष्य थे? साक्ष्य 306 जैसे गंभीर अपराध में पीड़िता ही पर्याप्त थी, जबकि उसमें वादी मुकदमा उसका बेटा था। उसने न्यायालय को रिपोर्ट किया, पीड़िता ने आकर के स्वयं बयान दिया, डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट से उसकी पुष्टि हुई, विवेचक ने उसकी विवेचना की, सब कुछ ठीक रहा। और ये पत्रावली माने मुख्यमंत्री जी के द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन में भी चिन्हित थी। आज उसको तो ये बेटा सगा बेटा था कि सगा बेटा बेटा था। इसने अपने कब घटना हुई थी और किस थाने की? 16 जनवरी 2023 को थाना कोतवाली देहात का मामला है, गांव है इसका खड़ौली। आज किस कोर्ट में फैसला? ये माननीय न्यायालय ADJ FTC सेकंड श्री वरुण भोज निगम साहब ने फैसला सुनाया। ठीक।